हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉट स्किल ऑर्डर के एक और स्पेक्टिकुलर आइस में। अब भाई, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम इसको हिंदी में सुनोगे या इंग्लिश में सुनोगे। हिंदी में सुनोगे तो यहाँ पे जुड़े रहो, और अगर इंग्लिश में सुनोगे तो वीडियो स्विच कर लो, बिकॉज अनदर वीडियो डाला गया है ठीक इंग्लिश लैंग्वेज में। अपन बात करते हैं अपने आज के टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और उसी के साथ साथ एक यूनिक मॉडल भी दिखाऊंगा। सो गाइस, मुझे मौका मिला कुछ समय पहले कि मैं कुछ दिन बस में ट्रैवल करके जाऊँ। अभी एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो 1-1.5 घंटे का समय लग ही जाता था ऑन एन एवरेज। अभी बात आती है कि एक बस में आपने भी ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है, तो मैंने ऐसी क्या यूनिक चीज देखी है या नोटिस की है जो एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या एक शार्प माइंडसेट वाले के काम आएगा। तो यहाँ पर पहले आप मेरा एक्सपीरियंस सुनो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि पहला दिन था मैं बस का, तो बस में नेचुरल सी बात है कि भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से मुझे बस में लास्ट सीट का मौका मिला, लास्ट से सेकंड वाली सीट का मौका मुझे मिला। अब बस यूजुअली लॉन्ग रहती है, इसलिए उसमें रोड पे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो जिस वजह से मुझे पहले दिन जब मैं बैठा तब मेरे पास में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आए, जिसकी वजह से जो उछल कूद हुई बस में, नेचुरल सी बात है क्योंकि बस के पीछे वाले चक्के और ग्रेविटेशन फोर्स भी चालू रहता है, तो उसी वजह से थोड़ी बहुत उछल कूद रहती है, जिसकी वजह से बहुत बार ध्यान भटका का मतलब डिस्टर्बेंस आया, कभी कभी टकले पे भी पड़ गया, बिकॉज ऊपर उनका रूफ रहता है तो टकले पे भी पड़ गई। अभी ये थी मेरी एक दिन की बात। मैंने सोचा कि ठीक है भाई, कुछ समय बाद आदत पड़ जाएगी, तो अपन दूसरे दिन गए। दूसरे दिन भी सेम चीज़ हुई। अभी इसके बाद में मैं वैसे तो मैं बस का वैसे उतना फेवर नहीं था, मैंने बस में उतना ट्रैवल नहीं किया था, तो उछलना कूदना थोड़ा बहुत वियर्ड था मेरे लिए, बिकॉज एकदम से आपके टकले पे चोट पड़ जाती है, एकदम से आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, कभी कभी आपका सामान और आप खुद सीट से गिरने पे आ जाते हैं, कभी अचानक से ब्रेक लग जाता है तो नाक पे पड़ने की संभावनाएं रहती है, सीट पड़ती है ना नाक पे। तो वैसे ही कुछ कंडीशंस मेरे साथ पहले 4 दिन रहे। 5वें दिन मुझे मौका मिला कि मैं सामने बैठूं, सामने वाली सीट पे जो ड्राइवर के साइड की रहती है अराउंड उस पास में सीट में मैं बैठा। अभी जब मैं उस सीट पर बैठा तब जो हमारा सेम पाथ था, वही टाइम वही पाथ, लेकिन बात आई वहाँ पे मुझे दच के यानी जो जिस टाइप से उछलने की चीज़ से थी वो कम लगी। मैं उछला भी नहीं, मेरे को स्पीड ब्रेकर्स आ गए थे, दिख गए थे सामने आ गए, बट इट वॉज लाइक कम्फर्टेबल, सब कुछ ऐसे मस्त था, स्मूथ था, तो सब कुछ एक जर्नी आसानी से जर्नी गई। अब मुझे डिफरेंस यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज का दिन है, सामने बैठे तो अपन हो सकता है कुछ, लेकिन जब मैं दूसरे दिन गया तब मैंने याद से सामने वाली सीट पकड़ी, फिर मैं सामने वाली सीट पे बैठा, तो मैंने वैसे ही नोटिस किया कि वहाँ पे जैसा पहला दिन गया मैं सामने वाली सीट पे, वैसे ही दूसरा भी दिन गया, तो मैंने सोचा ये दोनों डिफरेंस क्यों आ रहा है। मुद्दा ये है कि क्यों आ रहा है ये डेली लाइफ इंसिडेंट का डिफरेंस क्यों है। तो मैंने एक दिन मतलब जब कुछ दिन हो गए थे मैं 2 जगह पे पूरा रूट बैठ चुका था, अब मैंने रूट स्विच मतलब एक ही रूट में एक बार सीट बदल के आगे भी बैठा पीछे भी बैठा, रिजल्ट्स वैसे ही थे कि सामने में दच के नहीं लगते थे, सामने में एक कंफर्टेबल सीट मिल जाती थी और एक रिलैक्सिंग सीट मिल जाती थी, तो अगर आप थका के आ गए तो आपको बस में एक रिलैक्सेबल सीट मिल जाती है अगर आप कंपेयर करते पीछे वाले के। तो जब मैंने इस बारे में ड्राइवर से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका भी कहना ऐसा है कि सामने में दचके कम लगते हैं, पीछे में दचके कम लगते हैं। थोड़ा सोचने के बाद ये समझ में आया कि वो ड्राइवर जो है वो उस बस को ऑपरेट कर रहा है, तो वो नेचुरली चाहेगा कि खुद को दचके कम लगे। मतलब वैसे मैं ड्राइवर का साइड ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन क्या अक्सर ड्राइवर्स के साथ ऐसा होता है कि पीछे की चीजों के बारे में उनका अंदाजा कम होता है कि पीछे वालों को इतना जोर से दचका लगेगा तो अपन को स्पीड बैलेंस वगैरह करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स समझ जाते हैं, कुछ ड्राइवर्स उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। तो
इसमें बात आती है कि एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन का यहाँ पे कहाँ से रिलेशन आ गया। बिकॉज गाइस अगर मैं उस बस को एक ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर लूँ, उस ड्राइवर को एक ऐसे आदमी को कंपेयर कर लूँ जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरी तरीके से कनेक्टेड है और बाकायदा पीछे वाले लोगों का थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के टाइप से सोचते हैं तो आप अक्सर वैसे लोगों से कनेक्टेड हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एज यहाँ पे बस के ड्राइवर को भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि बस कैसे चलाना, कब दच के खुद को नहीं पड़ना, पीछे वालों के लिए भी कैसे दच के कम रिड्यूस करना, तो इस टाइप की चीज़ें आती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कनेक्टेड हो, तो फिर आप ट्राई करो, या फिर अगर आप खुद एक मतलब कंपनी के मालिक हो, ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जो उस बारे में अच्छे से जानते हो, उसका अच्छा नॉलेज रखते हो और इसी के साथ साथ उनको इमरजेंसी कंडीशन में कंट्रोल्स भी जानते हो। अगर आप अपने ने ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहोगे तो इन लोगों से नॉलेज एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इन लोगों का जो सेंस है सोचने समझने का वो भी आपके अंदर डेवलप होगा। तो इनकेस अगर आप जॉब भी करते हो तभी भी वैसे लोगों से कनेक्टेड हो, बिकॉज वैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, टैप्स एंड ट्रिक्स वो लोग जानते हैं, तो लोग जो भी आपका इंटेंशन है, अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है तो जरूर वो लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। सो इस तरह से आप लाइफ में एक मतलब एक डाइवर्जिंग, एक यूनिट और एक प्लानटरी स्टेप उठा सकते हैं जिससे आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और जरूर आपको सक्सेस भी ऐसे आसानी से मिल सकती है। सो गाइस ये था नॉट स्किल लोडर का स्पेक्टेकुलर आइज वाला वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करता हूँ, उनमें से यूनिक मॉरल भी निकालता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों ने सुना हिंदी लैंग्वेज में, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो नॉट्स को। थैंक यू आप लोग इस वीडियो को बने रहे। इसी के साथ गाइस शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी ये सब चीज़ जान सके, समझ सके, सोच सके। और गाइस हमारे पास ऐसी वीडियोस का सेशन और है, तो जरूर बने रहो। और इसी के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।